नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनवी खबर। हम आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर गांव के ही दो दबंगों द्वारा टीवी चैनल के पत्रकार के घर के बाहर छज्जा डालकर किया गया अवैध कब्जा। उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश को ताक पर रखकर लेखपाल द्वारा दोनों दबंगों के साथ मिलकर कराया गया कब्जा, अवैध निर्माण। जनपद झांसी की टहरौली तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम महेवा का मामला पत्रकार द्वारा आप बीती में बताया गया कि पत्रकार को जान से मारने का दबंगों ने दी है धमकी। पीड़ित पत्रकार एवं उसके परिवारजनों को यदि कोई क्षति पहुंचती है तो उसके जिम्मेदार प्रीतम सिंह, राजेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार पटेल एवं गाँव के दोनों दबंग व्यक्ति होंगे। जिम्मेदार योगी सरकार में भी पत्रकार नहीं सुरक्षित। न्याय मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ करण कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम डीआर पटेल है। डीआर पटेल जी, क्या काम करते हैं आप? मैं लक्ष्य न्यूज टीवी चैनल में नेशनल हेड के, ब्यूरो हेड के जो है पद पर नियुक्त हूँ, और निवास जो है अस्थायी निवास झांसी में बना रखा है, वहीं रहता। क्या समस्या है? समस्या ये है कि एक्चुअली मैं झांसी रहता हूँ, तो गाँव में मकान है अपना महेवा में, तो मकान पे जो है कोई रहता नहीं है, खाली रहता है। तो हमारे ही पड़ोस के यानी हमारे ही परिवार के चचेरे भाई हैं प्रीतम सिंह, उनके द्वारा जो है मकान को आगे से पीछे से दोनों तरफ से अगर कब्जा जो है कर लिया, पीछे तो बहुत पहले कर लिया था लेकिन आगे जो है अभी कर रहे थे। तो जैसे ही मुझे जानकारी हुई, मैं आया झांसी से, तो रोका मैंने कि भाई मेरे दरवाजे पर सिर्फ मात्र 5 फुट की रास्ता है, उस पर आप जो है 3-4 फुट का वो डाल लोगे, क्या नाम, छज्जा, तो हवा नहीं जाएगी फिर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो करना हो सो कर लो, वो हम डालेंगे और बिना डाले हम नहीं रहेंगे। तो अब चूंकि मैं तो जब पत्रकारिता करता हूँ तो गया, मैं एसडीएम साहब के पास गया, तो एसडीएम साहब ने जो है थाना अध्यक्ष टोली फतेहपुर को जाँच के आदेश दिए। वे आए, उन्होंने मौके पर जांच की, जांच के बाद उन्होंने रिपोर्ट लगाई, रिपोर्ट वापस भेजी। इसके बाद फिर एसडीएम साहब ने उसको रुकवाने के कल आदेश कर दिए। तो एसडीएम साहब ने आदेश तो कर दिए, पर जो लेखपाल साहब को उन्होंने आदेश किया, तो लेखपाल साहब की मिली भगत से कल का आदेश आज 10 बजे लेखपाल साहब पहुँचे हैं और खाना पूर्ति करके मेरे यहाँ से थाना टोली फतेहपुर की दूरी मात्र जो है 10 से 11 किलोमीटर है, तो वो 1 घंटे में बाइक से पहुंच पाए। आधा घंटे में उनको कॉल की गई, तो आधा घंटे में उन्होंने बताया कि मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। फिलहाल लेखपाल साहब की इसमें मिली भगत हो गई है। सचिन खरिया लेखपाल हैं मऊरानीपुर से, जो टहरौली में तैनात हैं, और गाँव के दो दबंग व्यक्तियों के द्वारा ये सब जो है अवैध कब्जा करवाया गया। ये चूँकि मैं नाम नहीं बता सकता उनके, क्योंकि अगर मैं उनके नाम बताता हूँ तो हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए, दैनिक जान का खतरा भी है। बिल्कुल, जान का खतरा है, और मेरा पूरा घर, पूरा परिवार इतनी दहशत में है कि हो सकता है कि उन लोगों की दहशत के कारण हो सकता है कोई खुदकुशी ना कर ले, मुझे ये भी खतरा है उन लोगों से। पर जो है आज मैं अभी फिर थाने गया, एसडीएम साहब के पास गया, तो एसडीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया, और फिलहाल मैं थाने से और एसडीएम साहब से दोनों जनों से